है ऐसा हमने सैकड़ों बार सुन लिया। और मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो वो दुर्लभ मनुष्य जन्म इतने सारे लोगों को सुलभ कैसे हो गया और पशु पक्षी की प्रजातियाँ समाप्त कैसे होती जा रही है। देखो कुछ तो प्रश्न के अंदर ही समाधान निहित है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है ऐसा कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम लोगों को ही मिलेगा। दुर्लभ का मतलब यह है कि उसको मिलना बड़ी कठिनाई से होता है। कठिनाई से क्यों होता है? क्योंकि एक इंद्रिय में जीव कितने? अनंत। मेन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय में असंख्यात। अनंत और असंख्यातों के सामने मनुष्य पहले से ही संख्यात है। मनुष्य असंख्यात नहीं, अनकाउंटेबल नहीं है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर काउंटेबल। और जब हम एक इंद्रिय से यात्रा करते करते विकसित होते होते मनुष्य तक आए तो बट नेचुरल कि हमें चढ़ने में बहुत मुश्किल हुई। जैसे पहाड़ पे चढ़ना दुर्लभ हो, मान लो कि एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत दुर्लभ हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई चढ़ेगा नहीं? चढ़ेगा। लेकिन सैकड़ों लोग जमीन पे रहते हैं, चढ़ने वाले थोड़े लोग होंगे। ऐसे ही अनंत लोग एक इंद्रिय बेन्द्रिय आदि अवस्था में रहते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय में बनकर के भी मनुष्य बनने वाले लोग उनकी अपेक्षा से बहुत थोड़े हैं, मुट्ठी भर। इसीलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दूसरी आपने बात कही कि बहुत सारी पशु की प्रजातियां खत्म हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे इंसानों के रूप में तिरियन जन्म ले रहे हो, इसीलिए इंसानों में पशुता ज्यादा देखने को मिलती हो? देखो आज इंसान में जितनी पशुता देखने को मिलती है बड़ी खतरनाक चीज है, एक बात। तीसरी बात, इसको हम थोड़ा साइंटिफिकली समझें। प्रकृति का कालचक्र का कुछ ऐसा स्वभाव होता है कि कालचक्र में कुछ चीजें कभी सिकुड़ती है और कभी फैलती है। जब चीजें सिकुड़ रही होती है, जब धरती सिकुड़ रही होती है, जैसे कि आजकल ग्रेविटेशंस धरती का जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, धरती सिकुड़ती जा रही है, वैसे वैसे मनुष्यों की हाइट कम होती जा रही है, मनुष्यों की संख्या ज़्यादा नजर आ रही है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम था, आज के जितना नहीं था, आप देखो धरती बहुत फैली हुई थी, तो मनुष्यों की हाइट बहुत बड़ी थी, उनकी उम्र बहुत बड़ी थी, लेकिन उनकी संख्या घटी हुई थी। धरती भी बहुत बड़ी थी, मनुष्य की संख्या भी बहुत कम थी और उनकी हाइट भी ज़्यादा थी। एक समय था जब धरती का आयाम अलग तरीके का था। आज वापस कालचक्र कुछ इस तरीके से चल रहा है कि हर चीज़ वापस सिंक्रोनाइज हो रही है, घटती जा रही है। अब देखो हमारी दूरियाँ कितनी कम हो गई, पूरे ग्लोब को हम सैटेलाइट के द्वारा देख सकते हैं, पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं। उससे पहले ये पॉसिबल नहीं था। तो चीज़ें बदल गई समय के साथ, क्षेत्र के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि इस टाइम में धरती सिकुड़ रही है तो मनुष्यों की उम्र घटती जा रही है, लेकिन संख्या बढ़ रही है और संख्या दिखलाई पड़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब काउंटिंग पॉसिबल हो गई। पहले जमाने में मनुष्य रहे होंगे, लेकिन तब उनकी इतनी जनगणना हो सके उतने साधन ही अवेलेबल नहीं थे। बल्कि अपन कुछ सालों पीछे ही जाए ना, मतलब कुछ सैकड़ों सालों पीछे जाए, तो हमें बड़ी हैरानी होगी कि कई लोग जिस गांव में रहते थे उनको अपने पड़ोसी गांवों के बारे में जानकारी नहीं होती थी। वो जो नदी के इस किनारे पे रह रहे वो उसी किनारे पे मस्त थे, जो दूसरे किनारे पे रह रहे वो दूसरे किनारे पे मस्त थे। पहले में और अब में कितना फर्क आ गया। अब हर आदमी को दुनिया भर का नॉलेज रहता है, तो इट मे बी कि जितनी जनगणना के बारे में हम अब कॉन्शियस है उतने हम पहले कॉन्शियस थे ही नहीं। और अगर हम पुराणों की बात माने, महाभारत के युद्ध के समय की बात माने, तो कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय में 18 अक्षौहिणी सेना मरी गई। इसका मतलब कितनी पब्लिक रही होगी। अगर हम उनको सत्य माने तो दूसरी बात, जैन पुराणों में वर्णन आता है कि जब भगवान अरिष्टनेमी राजकुमार के रूप में थे और शादी करने के लिए जा रहे थे, उस समय उनके साथ जो शादी में जाने वाले बाराती थे वो कितने थे, सुना आप में से किसी ने? 56 करोड़ यादव, ऐसा वर्णन आता है।
इट मे बी पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल, बट आफ्टर ऑल बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि 56 करोड़ यादव उनकी बारात में शामिल हुए थे। अब सोचो अगर बारात में ही 56 करोड़ है तो होस्ट करने वाले लोग कितने होंगे, वो तो मेहमान की तरह है, तो मेजबान लोग कितने होने वाले। अगर वो पॉसिबल हो तो जनसंख्या कितनी रही होगी, बट वी डोंट नो। हम आज के दिन की बात करें कि आज के टाइम में ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो चुका है धरती का, चीज़ें सिंक्रोनाइज हो रही है, घटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, और इस टाइम में मनुष्य की अवगाहना घटती जा रही है और उनकी उम्र का दरमियान भी दराज भी उम्र दराज भी घटता जा रहा है और मनुष्य की संख्या बढ़ रही है। लेकिन संख्या बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये एक समय का प्रभाव ऐसा है कि इस टाइम में बहुत सारे मनुष्य एक दूसरे को मुलाकात कर पा रहे, बहुत सारे मनुष्य एक दूसरे को जान रहे हैं। और पहले समय अलग टाइप का था, पहले क्षेत्र वास्तु अलग टाइप का था और हर चीज को अनेक तत्व प्रभावित करते, हर एक घटनाक्रम को, चाहे वो पृथ्वी पर ही घटनाक्रम क्यों ना हो रहा हो, उस पृथ्वी पर होने वाले घटनाक्रम को भी कितने सारे ग्रह प्रभावित कर रहे और हर ग्रह से आने वाली रेस प्रभावित कर रही है। और बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं अगर हम साइंस को अनेक अनेक आयामों से समझें, क्योंकि इस नेचर के साइंस को समझने के लिए जितने फेसेस समझोगे उतने फेसेस कम पड़ेंगे। अगर हम इसको दूसरे और आयामों से समझें तो देखो कि ये सूत्रों के अनुसार ये पांचवा आरा चल रहा है, अब पांचवा आरे के बाद छठा आरा आने वाला है, ठीक है। और हमने देखा कि छठे आरे आने तक बहुत कुछ मनुष्य जाति की जो क्षमताएं हैं, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी बनावट है, जो धरती की बनावट है, सब कुछ बदल जाने वाली है। बड़े सारे विनाशक परिस्थितियां भी आने वाली है। अब ये सब विनाशक परिस्थितियां जो आ गई है, आ रही है और आने वाली है, वो सब क्या सूचित कर रही है कि कुछ चीजें एंड होने से पहले एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे जाती है। ऐसा भी तो होता है, जैसे हमने दीपक को देखा कि दीपक बुझने से पहले एकदम ज्योत बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा भी होगा, ये बड़ा विचित्र संसार है, विचित्र इसके नियम है कि कई चीजें जब जानी होगी उससे पहले एकदम बढ़ेगी भी और हमें लगेगा कि बढ़ गई, एक्चुअल में वो जारी होगी। जैसे कई बार स्वस्थ आदमी मतलब बीमार आदमी मृत्यु के एकदम कगार पे होता है, एकदम स्वस्थ हो जाता है, लोग कहते हैं अब ठीक हो गया भैया, अब विश्वास करो कि जिएगा, और तभी अगले दिन वो चला जाता है। तो बड़ा विचित्र संसार है। तो मनुष्य जाति दुर्लभ है, फिर भी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इस समय का प्रभाव ऐसा है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ऐसा है, इस समय जनगणना पॉसिबल हो पा रही है, बहुत सारे तिरियन च्योनी के जीव भी हो सकता है मनुष्य बन रहे हो सकता है कि हम लोग इतने जन्मों से यात्रा करते करते इस लेवल तक पहुंच गए हो, लेकिन इस लेवल पर आना मात्र ही दुर्लभता नहीं थी, इससे बड़ी दुर्लभता थी कि मनुष्य में मनुष्यता होना। और आप और जरा शास्त्र के सूत्रों पे, वचनों पे ध्यान दो तो उसमें जहाँ आता है कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें एक्चुअल वर्ड क्या मिलता है, चत्तारी पर मंगाणी दुल्लहाणी ह जंतुणो माणु सत्तम सुई सद्धा संज मम्मी वीरियम। चत्तारी परमंगाणी, चार परमंग है, दुल्लहाणी ह जंतुणो, दुर्लभ है यहाँ जंतुओं में, यहाँ प्राणियों के लिए चार अंग दुर्लभ है। पहला अंग है माणु सत्तम यानी मनुष्यत्व, मानव जन्म मात्र को दुर्लभ नहीं कहा, क्योंकि बहुत मानव ऐसे हैं जो नारकीय जीवन जी रहे हैं, बहुत मानव ऐसे हैं जो आसुरीय जीवन जी रहे हैं, बहुत मानव ऐसे हैं जो बिल्कुल पाशविक जीवन जी रहे हैं, अभी उनमें मनुष्यता ही प्रकट नहीं हो पा रही है। दुर्लभ किसको बताया उत्तराधन सूत्र के इस तीसरे अध्ययन की पहली गाथा में, कि माणु सत्तम मनुष्यता मनुष्यत्व वह दुर्लभ है, यानी मानवीय होना दुर्लभ है। माणु सत्तम सुई श्रद्धा, श्रुति शुद्ध ज्ञान होना दुर्लभ है, श्रद्धा होना दुर्लभ है, श्रुति श्रद्धा होना दुर्लभ है, संयम होना दुर्लभ है, और पराक्रम हो जाना प्रकृति के क्रमों से पार चले जाना वह दुर्लभ है। ये चार दुर्लभ अंग बताया।
तो मुख्य बात केवल इंसान होना ही नहीं, इंसानियत होना है, और वो आज भी हम देखें तो ढूंढनी ही पड़ती है। जय हो।